कि बिहार के लोगों को बाहर में अपमानित किया जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। तो सरकार के खिलाफ अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को संकल्प में बदलिए और एक एक बटन महागठबंधन पर दबाइए। ये अपील मैं आपसे कर रहा हूं। आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में हमको अपनी सूरत और सीरत बदलने का मौका मिला है। अपने गुस्से का इस्तेमाल हम इस सरकार को बदलने के लिए करने वाले हैं। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाथ उठा करके बोलिए सरकार बदलिए। एक नहीं बदलिए, हाथ उठना चाहिए सरकार बदलिए। यही संकल्प है हमारा। और सबसे पहले इस कोरोना महामारी के दौर में भी अपना घर बार छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन को मैं अपना प्रणाम करता हूं, आपको नतमस्तक होता हूं। जिसको परमिशन 5 बजे तक का है और आप लोग लोकतंत्र में परमिशन और कमीशन का खेल जो चल रहा है उसके बारे में अच्छी से जानते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, अपना अपना लाइट ऑफ किए थे मोदी जी के कहने पे, खरिया बजाए थे मोदी जी के कहने पे, कोरोना भागा? क्यों नहीं भागा? क्योंकि कोना कोना कौन कोना खेलने से जनता की समस्या हल नहीं होती है। इसीलिए आज जब आप तमाम लोग लोकतंत्र के इस महासमर में शामिल हैं, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में कान खोल करके एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमने इस दौर में किस तरह के मंजर को देखा है। दुष्यंत लिखते हैं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। ये बदलाव की आवाज है, ये बदलाव का संकल्प है। और इसमें हम यही आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि सवाल सिर्फ किसी को नेता बनाने का सवाल नहीं है। और ये जब जीते थे तो सर आपको कोई रिजॉर्ट में लेकर के गया था? आजकल विधायक जीत जाता है और रिजॉर्टो रिजॉर्ट उसको लेकर के बस में घुमाया जाता है। हम आज आपके सामने अगर खड़े हैं तो इसी मूल्य को बचाने के लिए खड़े हैं। आज हम आपसे अगर आपका समर्थन मांग रहे हैं तो उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। अगर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं तो इसीलिए चाहते हैं कि लोकतंत्र की खरीद बिक्री इस देश में हम नहीं होने देंगे, बिहार में लोकतंत्र की खरीद बिक्री नहीं होने देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल नेता का नहीं है, सवाल चेहरा का नहीं है, सवाल नीतियों का है, सवाल नीयत का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई नेता का नहीं नीति का है, ये लड़ाई चेहरा का नहीं नीयत का है। ये बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये चुनाव बिहार के भीतर एक बदलाव का धमक लेकर के आया है और महागठबंधन के साथियों ने हमको ये जिम्मेवारी दी है कि बेगूसराय आपका गृह जिला है, आप बेगूसराय जाइए और बेगूसराय की जनता से अपना आशीर्वाद मांगिए। और बेगूसराय में जब हम विधानसभा चुनाव की शुरुआत किए हैं तो हम सबसे पहले हमारे सबसे आदरणीय, हमारे सबसे बुजुर्ग माननीय राजवंशी बाबू के चुनाव प्रचार में आए हैं। हमने चेरिया बरियारपुर विधानसभा से अपने चुनाव की शुरुआत की है। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं, अयो हमारे रिश्तेदारी सब विघ्नेश राम होते हैं, बिहार के लोग रिश्तेदारी बिहारे में होते हैं, एना हवाबाजी में कम नहीं चले वाला कि हेलीकॉप्टर आई लाए धुइया उड़ लाए आ छोरा सब हो कल का फोटो खिंचल काय, सेल्फी लेल काय, फेसबुक पर डालल काय और सुत रहल है, इससे काम नहीं चलेगा। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको किसी भी तरह की खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जब आप यहां
बड़े आराम से चुनावी सभा में शिरकत कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें आराम से घरों में बैठी हुई हैं, हमारी माताएं बहनें मंच पे बैठी हुई हैं, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा भाई बंदूक लेकर के सीमा पे खड़ा रहा होता है, जग रहा होता है। इसीलिए जब युद्ध में हम होते हैं, जब हम फ्रंट पे होते हैं, तो आराम नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके जोश का मैं सम्मान करता हूं, आपके उत्साह का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भकभकाए कर बताए कि नहीं। ये जोश बनाए रखिए, अपने एक एक रिश्तेदारों को फोन कीजिए और उनको कहिए कि कोई शंका मन में नहीं है, इस बार बिहार ने तय कर लिया है कि हम बदलाव करेंगे। और अपने साथियों से बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, खाली मोटरसाइकिल जुलूस में हुरहुर ना। चुनाव के दिन आपको अपने बुजुर्गों को मास्क लगा के, साबुन से हाथ साफ करा के बूथ पर उनसे वोट करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ये सबसे बड़ी लड़ाई है, इस बात को समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है, हरियर हरियर घास देख मन आनंद भय जाए छे। आनंद होना अच्छी बात है, आनंदित होना अच्छी बात है, लेकिन अपने जोश को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखने में हम इस्तेमाल करेंगे। और गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। गुस्सा में क्या होता है इस बात को आप जान लीजिए। जब हम गुस्सा करते हैं तो वो इंसान जिससे हम संवाद करके उसका दिमाग बदल सकते हैं वो भी हमारा विरोधी बन जाता है। विरोधी को भी ये कहना है और उनको भी प्रेम से ये समझाना है कि सुन भाई, हम में तो भाजपा विरोधी, तो भाजपा समर्थक ना तो हो ऐलो खत्म 15 लाख, मिलो 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गले अच्छा दिन, की होले विशेष राज्य का दर्जा। ये मुद्दा है चुनाव के अंदर किसी भी तरह का गुस्सा, नफरत, भेदभाव और ध्रुवीकरण से हमको बचना है। अपना जात छोड़ करके सब जात से बतियाना है, अपने धर्म से लेकर के दूसरे धर्म वाले से भी बात करना है। चाहे मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला हो, जब लॉकडाउन किया गया तो 7,000 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार की धरती पे उसको आना पड़ा। बोलिए आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या आगरा, क्या पिछड़ा, क्या इस देश की जनता, बिहार की जनता समस्याओं से रोज जूझ रही है कि नहीं जूझ रही है? आप हमको बताइए कि किसान किसी भी जाति का हो, उनके फसलों का दाम उनको मिल रहा है? उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है? बीते क्या ले छे बाबू कमाए पैसा, 4 साल बीते कैला के बाद ग्वालियर भोपाल इंदौर पूना पप्पा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो पप्पू कहे छथिन आई जो नुनुखी कर बे। आप सोचिए इस बात को कि बिहार के लोगों को बाहर में अपमानित किया जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। तो सरकार के खिलाफ अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को संकल्प में बदलिए और एक एक बटन महागठबंधन पर दबाइए। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में हमको अपनी सूरत और सीरत बदलने का मौका मिला है। अपने गुस्से का इस्तेमाल किसी का दिल दुखाने के लिए हम नहीं करने वाले हैं, अपने गुस्से का इस्तेमाल हम इस सरकार को बदलने के लिए करने वाले हैं। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाथ उठा करके बोलिए सरकार बदलिए। एक नहीं बदलिए, हाथ उठना चाहिए, सरकार बदलिए। यही संकल्प है हमारा।